हेलो गाइस, वेलकम टू द अरेंज मीडिया। तो गाइस, आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में उसका क्या हाल होगा। सभी जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की जो पावर्स हैं वो मैजिकल है, वो काफ़ी सारा यानी जादू जानता है। तो उसकी जो स्टैंडर्ड सोलो मूवी आई थी जिसमें कि डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज की सिर्फ ट्रेनिंग ही चल रही थी और उन्होंने काफ़ी कम टाइम में एक ऐसा अचीवमेंट पा लिया जो कि कोई भी उनका शिष्य नहीं कर सका। तो उनकी जो पावर्स है वो काफ़ी अच्छी है। और रही थैनोस के चिल्ड्रन ऑफ एमी वो के जो कि उसकी पावर थी मैजिकल टेलीपैथिक, जो कि लोगों का वो माइंड पढ़ सकता था और मैजिकल कर सकता था। तो जब वो अर्थ पर आएगा यानी कि थैनोस उसे जब अर्थ पर भेजेगा तो सबसे पहला सामना उसका डॉक्टर स्ट्रेंज से होगा। हाल ही में एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की जो सेट फोटो रिलीज हुई है उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज और एमी वो का फेस ऑफ होगा। और एमी वो के पता कर चलने का कारण ये है कि उनके जो टैग नंबर लग रहे हैं EBMAW, यानी कि ये वो कैरेक्टर है जो कि मार्वल में VFX में आता है, यानी कि ये VFX की द्वारा बनाई जा रही है। डॉक्टर स्ट्रेंज का नेकलेस यानी कि स्टोन कंफर्म हो चुका है जो कि सेट फोटो में पता चलता है। और ये आप जो क्लिप देख रहे हो अभी, इससे ये पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी कितना कमज़ोर है, यानी कि उसकी ट्रेनिंग अभी कन्फर्म नहीं है और वो अभी ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं हुआ है। तो ये सेट फोटो मुझे काफ़ी मुश्किल से मिली, बट फाइनली मिली गई। और इसके बाद जो हुआ कि डॉक्टर स्ट्रेंज एकदम बन जाता है किसी चीज़ से, तो साफ जाहिर ये होता है कि वो एमी वो का ही काम था। और डॉक्टर स्ट्रेंज अभी कमज़ोर है और वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में अच्छी तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और रही कैरेक्टर की बात, तो वो काफ़ी मेहनत करेंगे और एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के जो इवेंट्स हैं वो 2 साल के बाद हैं। तो मुझे लगता है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर जब पार्ट 2 आएगा तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आप को काफ़ी अच्छा प्रिपेयर कर लेंगे और फाइट के लिए तैयार कर लेंगे। और मे बी वो मिरर वर्ल्ड को जरूर खोलेंगे लड़ाई के दौरान, जिससे कि अर्थ पर रहने वाले लोगों को कोई नुकसान ना हो। और रही एक बुक की बात, जिससे कि डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी पावर मिली थी टाइम में बैक जाने की, जो कि काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज उस चीज़ का काफ़ी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो रही अगर फाइटिंग की बात कि एमी वो से उनका कैसा कॉन्सेप्ट होगा, तो अभी आपको पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस टाइम थॉर 3 में है, जो कि अपने स्टोन के साथ थॉर की मदद कर रहे हैं। और अभी ऐसा कुछ कन्फर्म नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का उसमें कितना बड़ा रोल है, क्योंकि मूवी थॉर रैग्नारोक काफ़ी छोटी मूवी होगी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की, क्योंकि 10 साल में जितनी भी मार्वल की मूवीज़ आई हैं वो सारी ही लॉन्ग रही हैं। बट डॉक्टर स्ट्रेंज का जो रोल होगा थॉर रैग्नारोक में वो बिल्कुल थोड़ा ही सही होगा, क्योंकि वो सिर्फ थॉर की मदद करेंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट कैसी होगी एमी वो के साथ, क्योंकि उन दोनों की पावर बिल्कुल सेम है। और बाकी अदर कैरेक्टर्स की बात करें जो कि सब खतरनाक हैं और काफ़ी डेंजरस हैं, तो मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सब माइंड में है कौन कैसे किससे लड़ना है, और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करेगा। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, ज़्यादा उस पर रेड स्कल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।